दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जानना भी ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 रिजल्ट एवं पार्ट 1 के रिजल्ट एवं पार्ट 2 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों में से काफ़ी सारे ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया है और इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आइए इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप देते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8400 400 400 इस नंबर को याद कर दीजिए, क्योंकि आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। आपको इस नंबर को ऐड करना है अपने व्हाट्सएप में और आपको अपने क्वेश्चन को फोटो खींचना है और उस फोटो को क्रॉप करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर डालना है, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से 12th IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड। तो देर किस बात की, आप 8400 400 400 पर अपना क्वेश्चन भेजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन। इससे पहले हम लोग ब्रावो यूनिवर्सिटी को पगला यूनिवर्सिटी कहते थे, लेकिन आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी पगला यूनिवर्सिटी हो गया है। क्यों? देखिए, पार्ट 3 का रिजल्ट लगभग 6 महीने पहले जारी होना था, लेकिन अभी तक नहीं जारी हुआ। लेकिन कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी ने आश्वासन दिए छात्रों को कि उनका रिजल्ट जो है वो 30 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज भर आप लोग का यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुला हुआ है, कल से यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे और इसके बाद 3 जनवरी को पूर्ण रूप से खुलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है, लेकिन आज अगर डाटा सेंटर और यूनिवर्सिटी के बीच में जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पे समाधान अगर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर लेती है तो आप लोग का रिजल्ट सफलतापूर्व जारी हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप लोग का रिजल्ट अगले साल प्रथम माह में भी जारी नहीं हो सकता है। इसको लेकर जो भी सूचना और अपडेट आज के माध्यम से आएगी, मैं आप सभी छात्र को अपडेट करूंगा। और वही पार्ट 3 के रिजल्ट जारी होने के बाद ही पार्ट 1 वाले छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिनका सेशन 2020 से 23 है। तो उसमें से काफ़ी जो सारे ऐसे छात्र हैं जो पूछ रहे हैं कि आप पार्ट 2 में एडमिशन भी चल रहा है, तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे पार्ट 2 में एडमिशन लिया जा रहा है, तो आप लोग अपने कॉलेज के माध्यम से पता कर सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे होंगे तो आपको वहाँ पर जो भी अपडेट होता है मैं आपको दे देता हूँ। अब चलिए, 19 से 22 वाले सेशन वाले जो छात्र हैं वो पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये, इसका नोटिस इसी माह जारी होने वाला था, लेकिन उम्मीद नहीं लगता कि जारी होगा क्योंकि डाटा सेंटर तो बंद पड़ा है। तो आप लोग का जो काम कर रहा है वो पुराने वाले डाटा सेंटर ही कर रहा है। तो देखिए कब तक आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का नोटिस आता है, वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे बताया गया है कि लास्ट वीक तक आ जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक तक, तो वेट करने की बात है, वेट कीजिए, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूँगा। और हमने पार्ट 3 रिजल्ट को लेकर आपको अपडेट कर दिया है कि पार्ट 3 का रिजल्ट अब यूनिवर्सिटी और डाटा सेंटर के बीच में समझौता होने के बाद ही जारी किया जाएगा। कल भी छात्र लोग और छात्राध्यक्ष लोग आंदोलन किए थे, लेकिन वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी को 4 घंटों के लिए बंद करके रखा गया, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जब तक कोर्ट में मामला चले जाने के बाद जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देता तब तक आप लोग का रिजल्ट आएगा नहीं। वैसे जो भी छात्र को अन्य यूनिवर्सिटी एवं अन्य डिपार्टमेंट में कोई कार्य है या काम करवाना है और अपना मार्कशीट लेना है, तो आप लोग अवश्य यूनिवर्सिटी पहुँचे और आज ही के डेट में जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि कल से यूनिवर्सिटी बंद होने वाला है और इसके बाद 3 जनवरी को ही खुलेगा। वैसे दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको देते रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।